तो आज हम ट्राई करने वाले हैं कोरियन का नूडल्स, जो कि काफ़ी फेमस है और ये चिकन फ्लेवर में है। इसके मुझे पूरे 49 रुपये पड़े, इसे मैंने विशाल मेगामार्ट से लिया था। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पर इस पैकेट के हमें अंदर में सीजनिंग ऑयल और सीजनिंग मिक्स मतलब मसाला मिलता है। और इसे ऐसे तो मुझे नूडल्स खाना ऐसे पसंद नहीं है, प्याज वगैरह मिलाकर खाना पसंद है, जैसे मैं मैगी खाता हूँ। बट इसे मैं ऐसे ही खाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से लिखा हुआ है मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया, इसलिए जेन्युइन ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये मिला और फिर ये ऑयल है, सीजनिंग ऑयल और सीजनिंग मसाला ये रहा। तो इतना ही निकला है हमारे पैकेट के अंदर से। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें 400 ml वाटर, बॉयल वाटर लेकर इसमें 5 मिनट तक उबालना है, उसके बाद ड्रेन आउट कर देना है पानी को, और फिर सीजनिंग ऑयल और मिक्स को मिलाकर उसे खा लेना है। तो फिर चलिए ट्राई करते हैं। हमने 400 ml वाटर ले लिया है अमूनन, मुझे पता नहीं था अंदाज़ा। और उसके बाद मैंने इसे उबाल लिया और इसके बाद इसमें हमने नूडल्स को डाल दिया है। और फिर इसे मैंने प्लेट भी दिया है, इसे हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पर, ताकि ये चिपके ना। हालांकि ये चिपकने वाला नूडल्स नहीं था, जिस तरह से और बाकी नूडल्स चिपकते हैं, जैसे मैगी चिपकता उस तरह से तो नहीं हुआ, और ये काफ़ी अच्छा था। तो हमने इसे किया, अब ये ऑलमोस्ट हो गया है डन। तो हम इसे ड्रेन आउट कर लेते हैं वाटर को, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब ड्रेन आउट करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब हम लोग इसमें सीजनिंग ऑयल और सीजनिंग मिक्स करेंगे। ये रहा हमारा मिक्स मसाला, तो हमें वो इसे काफ़ी सारा मसाला है और इसे हमने डाल दिया है। ओके नाउ, अब ये अच्छी तरह से चला गया है। अब हम इसमें सीजनिंग ऑयल डालेंगे, ये रहा सीजनिंग ऑयल, तो हमने इसे डाल दिया है। वो भाई, ये तो काफ़ी स्पाइसी लग रहा है देखकर, बट पता नहीं कैसा है टेस्ट। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, और हम इसे ट्राई करते हैं। और सच बोलूँ तो मुझे इसका टेस्ट पसंद आया, काफ़ी स्पाइसी था, जो जो मुझे बाद में पता चला।